हाय, कैसे हो आप? उम्मीद है ठीक ठाक होगे। मैं भी यहाँ ठीक ठाक हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है ज़िंदगी में। आज शनिवार का दिन थोड़ा सा व्यस्त रहा, लगा था कि आज छुट्टी है तो आराम किया जाएगा, लेकिन कुछ कहानियाँ अधूरी थी तो सोचा उन्हें पढ़ लिया जाए, रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो ऐसे ही बैठे बैठे कभी शाम हो आई है, पता ही नहीं चला। आज बनारस खुशनुमा एहसास के साथ मुझे जगा रहा था। नींद और दिनों के बजाय आज थोड़ा देर से खुली। जब देर से खुली तो तकरीबन घड़ी में 8 बज चुके थे। भाई साहब रियाज कर रहे थे, वो हर रोज सुबह शुरू हो जाते हैं, सारेगामा। अच्छा, मुझे कभी कभी लगता है कि सारे सुर जो होते हैं वो सुबह सुबह उतर आते हैं उनके गले में, और वो उन सुरों को और मांझते हैं। जैसे होता है ना, कभी कभार आप किसी चीज़ को और अच्छा करते हैं तो उसे आप बेहतर करते हैं, उसे आप बढ़िया बनाने का ट्राई करते हैं। तो ऐसे ही हर रोज़ भाई साहब शुरू हो जाते हैं। पहले पहले उसके रियाज करने से नींद खुल जाती थी, लेकिन अब कोई असर नहीं पड़ता। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी तो अब तो हेलीकॉप्टर भी सामने से निकल जाएगा तो अपनी नींद नहीं खुलेगी। अपनी नींद ऐसी पड़ती है, और जब कभी फुर्सत से सोना होता है तब, और वो भी शुक्रवार की रात को, नहीं तो हर रोज़ सुबह सुबह नींद खुल जाती है। और नींद खुल जाने के बाद आपको बेचैनी हो जाती है कि अब करें क्या। हाँ, वो बात अलग है कि जिस दिन काम ज़्यादा होते हैं आप उन कामों में बंधे रह जाते हैं, लेकिन जब काम नहीं होते तब आप खाली बैठे बैठे सोचते हैं। कई बातें आपके दिमाग में चलती हैं, कई चीज़ों से आप उलझते हैं, कई चीज़ें आपसे उलझती हैं। तो खैर, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है जो हर किसी के साथ चलता ही रहता है। अच्छा, आज मैं याद कर रहा था अपने दादाजी और अपनी बॉन्डिंग को। पता नहीं आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं या नहीं, लेकिन मेरे बचपन से दादू मेरे साथ रहे हैं। दादाजी और मेरा रिश्ता कुछ ऐसा है कि वो बचपन में मुझे अपने साथ सुलाते थे, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा, तकरीबन 4 या 5 साल का हुआ होगा, तब से ना मेरे अंदर एक अजीब तरह की आदत आ गई थी। जैसे कोई कांच का सामान दिखे उसे फोड़ दो, जैसे घर के अंदर कोई चीज़ मिले उसे फेंक दो, टीवी है उसे गिरा दो, करंट वाली जगह पर हाथ लगा दो, जो काम लोगों को अच्छे लगते हैं उसके उल्टे काम करना मैं शुरू कर चुका था। जैसे एक बार मेरा जन्मदिन था, 13 जनवरी को बर्थडे आता है मेरा। अब नहीं मनाता हूँ मैं बहुत ज़्यादा उसको, लेकिन उन दिनों बचपन में बड़ा शौक़ था उस चीज़ को, क्या कहते हैं उसे यार, कि दिखाने का कि आज मेरा बर्थडे, आज मुझे कोई डांटेगा नहीं, आज कोई मारेगा नहीं। अब उस दिन शायद इतवार था, या शायद कोई वजह थी कि शाम के टाइम की बात है, या हो सकता है स्कूल में चला गया था उसके बाद वापस आया था। तो घर के आंगन में हमारा जो लेंटर है, लेंटर बोलते हैं हमारी जो छत है, उसमें मैंने एक निवाड़ होता है, निवाड़ की रस्सी बांधी और उससे झूला झूलना शुरू कर दिया। अगर वो रस्सी टूट जाती, मैं नीचे ज़मीन पर गिरता, मेरा सर फटता और हालत ख़राब हो जाती। लेकिन ये बात दादू ने देख ली। दादाजी को हम बूबू जी बोलते हैं हमारे यहाँ। तो वो दूर खेत में काम कर रहे थे और मुझे उन्होंने खेलते हुए देख लिया था, और मैं बड़ा हल्ला मचाया करता था, हल्ला मचा करके हैरान कर दिया करता था पूरे मोहल्ले को। हल्ले पर भी बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। लेकिन दादाजी के साथ जब खेलता था तो उस दिन मैं अकेला खेलने लगा था। दादाजी ने आवाज़ सुनी और वो भाग कर आए और कहने लगे, अच्छा तो यहाँ ये चल रहा है। मैंने कहा, हाँ आओ आप भी झूलो। जो पड़े हैं मेरे, मतलब इतने बुरी तरीके से उन्होंने हाथ मारे हैं, उस उम्र के हिसाब से उस वक्त पे बड़ा बुरा लगा। और मैं रोते रोते उनसे कहने लगा, आप मेरे को मारते रहते हो, हाँ मेरे को मारने ही आपने सीखा है, आज मैं आपको खाना भी नहीं दूंगा, मेरा बर्थडे है ना, आज आपको हलवा नहीं खिलाऊंगा। हलवा, हलवा जानते हैं आप, वो दलिया टाइप होता है, आटे का बनता है, तो वो हमेशा बनता था मेरे जन्मदिन पर। तो दादाजी हंस रहे थे उस बात पर, अभी भी वो सुन रहे होंगे तो शायद हंसेंगे इस बात पर कि देखो ये बातें कहने लगा है। उसके बाद और हरकतें सुनो आप। मैं क्या करता था, जो एक रेडियो हुआ करता था घर में, तो उसमें एक वायर लगती थी, वो वायर इंजेक्ट भी हो जाती थी, बाहर भी आ जाती थी, फिर दोबारा उसको मतलब आप उसको दोबारा उसके अंदर रख सकते हैं, रेडियो के अंदर और बाहर रख सकते हैं। तो उस वक्त पे हम लोग, मैंने कहा ना शक्तिमान आर्यमान का दौर था, तो उसको हम ऐसे घुमाते थे कि जैसे हमारे हाथ में कोई जादुई खिलौना आ गया हो, उसके प्लग को पकड़कर और गोल घुमाया करते थे ऐसे हवा में, और मज़ा आता था। क्यों करते थे नहीं पता, पर मज़ा आता था। जैसे
कोई चीज़ है, मान लो ककड़ी लगी हो, ककड़ी जानते हैं, खीरा, खीरा और ककड़ी वैसे तो ये अलग अलग हैं, लेकिन पहाड़ों पे ककड़ी को ही खीरा कहते हैं, खीरे को ही ककड़ी कहते हैं। तो ककड़ी जब लगी रहती थी तो हम छोटे मोटे पत्थर पकड़ करके उसे फेंक करके तोड़ने की कोशिश किया करते थे, इसलिए नहीं कि उसे हाथ से नहीं तोड़ सकते, इसलिए कि मज़ा आता था। पता नहीं, मुझे लगता है कि इतने इलॉजिकल काम हमने अपने बचपन में किए हैं, क्यों किए हैं नहीं मालूम, बस इसलिए क्योंकि मज़ा आता था। हमारे वहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर है, मतलब वो, मैं इसको कैसे बताऊँ यार, आपको कैसे बताऊँ कैसे बताऊँ, मतलब समझ लो एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है ना शहरों में, उस बड़ी सी बिल्डिंग के तीन चार बड़ी बिल्डिंगों को मिला लो, उसके बाद एक पत्थर है, पत्थर कहते हैं उसे हम लोग, पत्थर होता है वो पूरा एक ही पत्थर है। तो उसमें क्या होता था कि घास नहीं होती थी उतने एरिया में, उसके चारों तरफ मिट्टी थी, वो शायद पथरीला पहाड़ है पूरा, तो वो कभी रहा होगा कोई रीज़न, तो वो पत्थर पूरा का पूरा एक ही पत्थर है। अब उसमें जो सरफेस था उसका, वो सीधा खड़ा था और फिसलने वाला था। हम लोग जाते थे उस पत्थर पे, उसे हम कोई पत्थर बोलते थे क्योंकि वो पूरा काला था, तो कोई पहाड़ी में बोला जाता था कोई पत्थर। हम उसके ऊपर जा कर के वहाँ से नीचे को फिसलना शुरू करते थे, क्यों पता नहीं, मज़ा आ रहा था इसलिए। और फिसलते फिसलते क्या करते थे, एक हमारे वहाँ चीड़ का पेड़ होता है, चीड़ के पेड़ से जो पत्ते निकलते हैं वो बिछाने के काम आते हैं आंगन पे, तो वो मतलब जब जंगलों में फैल जाता है ना, तो ऐसे फैल जाता है जैसे एक गद्दी होती है ना, जैसे समझ लीजिए कि छोटा मोटा बिस्तर ऐसे कुछ हो जाता है, तो वो उस पत्थर के ऊपर आ जाता था। हम क्या करते थे, उस पूरी पत्तियों को इकट्ठा कर लेते थे और उसे गोल करके, और पत्तियाँ भी उसकी ना ऐसे होती है जैसे बाल नहीं होते इंसान के वैसे कुछ होती हैं, तो उसके बाद उन्हें इकट्ठा करके उनको गोल करके बैठ जाते थे, उसके बाद ऊपर से हम कूदना शुरू करते थे, कूदना क्या शुरू करते थे, फिसलना शुरू करते थे। और ऐसे में कई बार हमारी पैंट फट जाया करती थी, उसके बाद फटी पैंट के साथ हम जाते थे मम्मी के सामने, मम्मी को पता चलता था या दादाजी को पता चलता था, तो फिर से हमारी कुटाई हुआ करती थी, कुटाई पे कुटाई, धुलाई पे धुलाई हुआ करती थी, लेकिन हम करते थे, हमें मज़ा आता था। नए कपड़े, कुर्ते पजामे, हमने न जाने कितने पजामे वहाँ फाड़े, न जाने कितनी बार खुद का मजाक बनाया है खुद के हाथों। पेड़ में चढ़ जाया करते थे, पहाड़ के बच्चे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जंगल और पहाड़ों से पेड़ों से नाता तो हो गई, तो पेड़ पे चढ़ जाते थे, उसके बाद उस पेड़ से नीचे कूद मारते थे। क्यों मारते थे पता नहीं, मजा आता था, अच्छा लगता था, यानी अच्छा लगता था, मज़ा आता था, इसको लेकर के इतने काम किए हैं कि क्या बताएं आपको। अच्छा, मुझे ना सहानुभूति बड़ी पसंद थी, मुझे ऐसा लगता था कि अरे यार, मतलब ना कोई मेरी केयर करे, पूछे अरे कैसे हो आप, हाँ ठीक हो, अरे क्या हाल है, तो मतलब वो पूछ लेता था कोई तो बड़ा अच्छा लगता था। तो मैंने देखा था कि जैसे कभी क्लास में किसी का हार्ट टूट जाता था तो वो प्लास्टर लगाए रखता था, जब तक वो प्लास्टर लगाए रखता था ना उसकी बड़ी इज्जत करते थे टीचर्स, उसको मारते नहीं थे, जैसे हमारी तो पिटाई होती रहती थी, छड़ी लेकर के जितना कूटा है हमारे टीचर्स ने हमें, कि मतलब मत पूछिए जी, हर रोज जब उनका मन करता था ले कुटाई ले कुटाई। तो जिसका हाथ टूट जाता था उसकी कुटाई नहीं होती थी, उससे सब यही पूछते थे अरे बेटा बेटा मैं खिला दूँ, मतलब वो उसको ना एक खास ट्रीटमेंट मिलता था, ऐसा लगता था कि यार किस्मत हो तो ये हो, नहीं तो जिंदा, तो समझ रहे हो आप, कोई भी है ऐसा फील होता था। फिर हम क्या करते थे कि यार अब ये सहानुभूति तो लेनी है, कुछ ना कुछ तो ऐसा करना है ना जिससे सहानुभूति महसूस हो। तो मैंने क्या किया, हमारे घर के पास एक दीवार थी, दीवार के सामने एक पेड़ था, हम उस दीवार से कूदते थे और उस पेड़ के तने को पकड़ते थे। मुझे मालूम था कि मैं इस पेड़ के तने को पकड़ लूँगा, लेकिन अगर मैं ठीक से, ओहो मेरा मोबाइल गिर गया, देख रहे हो हाथ में पकड़े पकड़े मोबाइल इतनी तेज़ गिरा कि मतलब उफ़, इसने मेरा ध्यान भटका दिया, मैं कहाँ था, दीवार पर था। तो दीवार से उस पेड़ को पकड़ने के लिए हम छलांग लगाते थे, तो जैसे ही छलांग लगाओ आप पेड़ को पकड़ लेते थे, हवा में झूलते थे, आपको खुशी मिल जाती थी। मुझे लगा अगर मैं इस पेड़ के तने को नहीं पकड़ता हूँ तो शायद मेरे हाथ में चोट लग जाए, हाथ में चोट लग जाए तो प्लास्टर लग जाए, प्लास्टर लग जाए तो सहानुभूति मिल जाए। तो हमने लगाई छलांग और पेड़ के पास पहुंच करके हाथों को मोड़ लिया पीछे और सीधे हाथों को कर लिया, और वो जा करके पत्थर से टकराए, एक हाथ तो ऑटोमेटिकली बच गया लेकिन दूसरा हाथ पत्थर से टकराया और मैंने रोना शुरू कर दिया। बहुत देर तक रोता रहा, किसी को पता नहीं चला, मम्मी को नहीं पता चला, मम्मी दूसरी जगह थी, काफ़ी दूर थी। तो फिर मैं रोते रोते मम्मी के पास पहुंचा, मम्मी क्या हो गया, क्यों रो रहा,
थप्पड़ मारूंगी अगर रोया तो फिर से, मम्मी मेरे हाथ में लग गई। मम्मी का मजाक कर रहा है ना, अल्लाह की मम्मी बहुत तेज लग गई। फिर मम्मी थोड़ा घबरा गई, क्या हुआ दिखा? देखा कि चोट आ गई थी, पहाड़ों पे चोट आना बहुत आम बात है। तो मम्मी ने कहा अरे यार ये तो दिक्कत हो गई। मैं कहा अब तो मम्मी ये दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को, ये बहुत मुसीबत हो गई, हाथ की उंगलियां नहीं मुड़ रही। मम्मी उंगलियां मोड़ने को कहने लगी मगर नहीं मुड़ रही, नहीं मुड़ रही। अब मैं चाहता ही नहीं था वो उंगलियां मुड़े। अब यहाँ से गए, फिर उसके बाद मम्मी ने कहा चलो ठीक है देखते हैं कुछ। मम्मी ने हल्दी वल्दी लगा दी, बांध दिया। मगर डॉक्टर के पास जाना है। अब डॉक्टर मुझे पता था कि हमारे गांव से तकरीबन 5-6 किलोमीटर दूर एक बंदे का क्लिनिक है, तो वो क्लिनिक में अपने लोगों के ऐसे ही प्लास्टर बांध दिया करता था। तो मुझे लगा आप ठीक हैं। तो अगली सुबह हम गए मम्मी के साथ। मैं गया, मम्मी कैसा है दर्द? मेरे को बहुत हो रहा। अगली सुबह जब गए उसके पास, डॉक्टर ने पूछा बेटा ऐसे हाथों को करो, उंगलियों को आगे करो। नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही। हल्की सी स्वेलिंग आ चुकी थी, हल्का पेन हो रहा था, लेकिन उस पेन में मुझे मजा आ रहा था। वो कहते हैं ना कि दर्द है मीठा मीठा वो प्यार का, तो ऐसा ही वो प्लास्टर से मोहब्बत थी कि यार प्लास्टर मिल जाएगा तो अच्छा ही होगा, बढ़िया ही होगा। तो उसके बाद मम्मी ने कहा चलो ठीक है यार, अब जो हो गया जैसा हो गया दिखाते हैं। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने थोड़ी देर ऐसे 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 किया, फिर कहा कुछ नहीं हुआ है। फिर उसने कहा फिर से करो। और डॉक्टर ने मुझे इस तरीके से डराया कि गलती से मैंने हाथ पूरा ऐसे करना शुरू कर दिया, उंगलियों को सीधा करना खोलना बंद करना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं हुआ यार, चलिए मैं कुछ दवा कर देता हूँ। तो उसने गर्म पट्टी होती है ना एक, तो वार्म बैंडेज कहते हैं शायद उसे, तो वो मेरे हाथ में बांध दी। मुझे लगा ये गले तक बांधेगा। उसने कहा नहीं नहीं बांध लो, कुछ नहीं होता बेटा, वैसे इतनी कोई बड़ी बात नहीं हुई है। मुझे उस वक्त डॉक्टर को देख कर इतना गुस्सा आया, दिल किया कि काश यार ये प्लास्टर बांध देता कितना अच्छा होता, लेकिन उसने नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, हम अपना समूह लेकर के घर चले आए। और अगले दिन स्कूल में गया तो सोचा कि शायद कोई सिंपथी दे दे, लेकिन ना उस गर्म पट्टी को किसी ने कोई भाव नहीं दिया। मैंने भी खोल दी वो गर्म पट्टी, मैंने कहा छोड़ो यार कोई सिंपथी नहीं देता। उसके बाद कमाल का एक किस्सा ये हुआ कि मैं, मेरे भैया, मेरा दादा जो म्यूज़िक बनाते हैं सारे का सारा, कमल जी ना आप जानते हैं उन्हें अच्छे से, एक संतू था, अभी वो ओमान में है, आजकल घर आया हुआ है, तो छुट्टियां लेकर के खूब घूम रहा है भाई साहब, केदारनाथ वगैरह घूमने गया था, खूब नोट छाप रहा है दूसरे देश में जा कर के। तो वो मैं और दादा तीनों लोग आते थे, जब स्कूल जाते थे साथ, स्कूल से आते थे साथ, ऐसा चलता था। क्योंकि जंगल का रास्ता था और पैदल रास्ता था 3-4 किलोमीटर का, तो ज़रूरी था साथ होना, और हमारा साथ भी था, हम साथ पढ़ते थे संतुदा और मैं, और दादा मुझसे एक क्लास आगे बढ़ता था, तो इस वजह से ठीक ठाक मतलब हमारा साथ था। तो पापा जी मुझसे थोड़ा पहले जाया करते थे, मतलब इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हमारा 9 बजे का स्कूल था और पापा जी 8 बजे अपनी दुकान पर चले जाते थे। तो एक रोज़ ऐसा कुछ हुआ कि हमने देख लिया कि पापा जी दूसरी चोटी पे आगे बढ़ रहे हैं, और हमने देखा कि हम यहाँ खाई की साइड थे और पापा को देख लिया आगे चोटी पे बढ़ते हुए। हमने कहा चलो पापा जी के पास पहुँचते हैं जल्दी से भाग करके। तो मैंने दादा को बोला, मैंने कहा दौड़ लगाएँ क्या? तो संतुदा ने बोला ठीक है चलो दौड़ लगाते हैं। बस उसके बाद हमारी दौड़ शुरू हो गई, टिक चिक डिक दौड़ते जा रहे हैं। और वो पहाड़ों के रास्ते थोड़े फिसलने वाले हैं क्योंकि काई लग चुकी है, बरसात का वक्त है, बारिशें बहुत तेज़ हैं, जोंक लगती हैं वहाँ पर, लेकिन हमारी स्पीड कुछ ऐसी है कि हम सबको छकाते हुए जा रहे हैं और हमको बस भागना है, हमको बस पिताजी को पकड़ना है। पिताजी थोड़ा करीब आए, मतलब दूरी कम होती चली गई जैसे जैसे हम भागते चले गए। पापा जी के हाथ में दूध का एक पूरा बर्तन था बड़ा, वो शायद एक बाल्टी थी। तो जब एक मोड़ की दूरी रह गई पापा और मेरे बीच, तो मुझे ऐसा लगा अरे यार अब पापा जी के पास पहुंचने वाले हैं, यस पापा के पास जाएंगे तो शायद पापा जी हमें स्कूटी से स्कूल छोड़ दें। ऐसा पॉसिबल नहीं था, लेकिन फिर भी दिल में एक ख्वाब था कि क्या पता छोड़ दें पापा जी। तो उस वक्त तो पैदल ही जाना होता था, मतलब स्कूल जाने के लिए कितना था पता है रोड का मामला, कि पापा की दुकान से 0.5 किलोमीटर दूर स्कूल था मुश्किल से। तो हम सोचते थे कि वो क्यों ना हम उसको स्कूटी से तय करें, लेकिन बट ठीक है वो ख्वाब था। तो पापा जी के पास जैसे ही पहुंचने वाले थे, पैर फिसला, मैं गिरा और मेरे सर से खून की धारा बहने शुरू हो गई और आंखों से आंसू, मुंह से आवाज मम्मी। बचपन से अब तक जब भी कभी चोट लगी है, रोया हूं, तो मम्मी कह करके, ईजा कह करके, मुंह से माँ का ही नाम निकलता है हमेशा।
पापा जी ने पीछे देखा, क्या हुआ? उन्होंने दूध के बर्तन रखे आराम से, ऐसा नहीं कि फिल्मों की तरह अरे बेटे क्या हो गया तुम्हें दूध का बर्तन फेंक देंगे, नहीं, पहले दूध आराम से रखा उन्होंने जमीन पे, फिर मुझे देखा थोड़ी देर तक, फिर कह रहे अच्छा चलो कोई बात नहीं, चोट लग गई है, दादा ने उठा लिया था मुझे तब तक। पापा जी ने साइड से एक बुदनिया का पत्ता होता है, बुदनिया की घास होती है हमारे पहाड़ों में, उसको आराम से ऐसे पीसा, उसका जो लिक्विड होता है पीस करके वो मेरी चोट पे लगा दिया, बोले कुछ नहीं होता चल दिक्कत नहीं है। और उसके बाद मैं रो रहा हूँ और पापा जी ने वो लगा दिया, तो उसे थोड़ा सा ना मतलब वो टाइप की होती है चरी कहते हैं पहाड़ी में, तो जलन टाइप की महसूस हुई, मैंने कहा दर्द हो रही। पापा ने कहा कर भी तो तू ही रहा था हरकत, इतनी तेज़ दौड़ने की ज़रूरत क्या थी? मेरे माथे पे आज भी निशान है उसका, कभी तुम आना फुर्सत से तो गौर से देखना मेरे माथे को। तो मैंने देखा यार ये क्या हुआ, तो उसके बाद मुझे लगा कि शायद अब क्योंकि चोट तो लग गई है तो शायद अब पापा मुझे थोड़ा सा अलग सा ट्रीटमेंट देंगे। पापा ने कुछ नहीं किया, बस ऐसे चोट से खून साफ किया, खून थोड़ी देर में बंद हो गया था, उसके बाद पापा ने कहा चलो भी स्कूल जाओ अब क्या करना है। मैंने कहा यार आज तो छुट्टी होनी चाहिए या फिर आप स्कूटी से हमें छोड़ दो स्कूल। नहीं, पापा ने कोई स्कूटी से नहीं छोड़ा, पापा जी ने दुकान करी अपनी और हम पैदल चले गए। अब सुनो, स्कूल ना जाने के बहाने, एक बार स्कूल ना जाने का मन था मेरा, एक बार क्या मेरा कभी मन नहीं करता था स्कूल जाने का, आजकल कभी कभी ऑफिस आने का मन नहीं करता, वो तो मुझे बड़ा मज़ा आता है कहानियाँ कहने में, तब मैं रेडियो में टिका हुआ हूँ, नहीं तो मैं तो ये छोड़ छाड़ करके कब का चले जाता। तो हुआ क्या कि मतलब यार ये बात मतलब थोड़ी सी मज़ेदार है, तो दादा के एक्चुअल में पेट दर्द होने लगा था, दादा के कमल जीना के, तो उसके पेट दर्द हो रहा था बहुत तेज, अब वो पेट दर्द में रो रहा है बेचारा, मुझे लगा ये बहाने बना रहा, इसका मन नहीं है स्कूल जाने का, ये बहाने बना रहा, मैं जानता हूँ ये बहाने बना रहा है। मैंने देखा कि यार ये रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, मुझे लगा अब मैं करूँ क्या, इसका तो रोना बंद नहीं हो रहा है, अब कुछ तो करना पड़ेगा, मैं यही सोच रहा था, यही सोच रहा था। मैंने कहा क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं गया अकेले और ये घर में रहा इसके मजे आ जाएंगे और ऐसा तो चल नहीं सकता मामला, तो हम घर से तो निकल गए थे, तो दुकान में जाकर दादा की दर्द हुआ, जहाँ से आधा किलोमीटर स्कूल रह गया था, दादा रो रहा, थोड़ी देर में मैंने रोना शुरू कर दिया, मेरे भी पेट दर्द हो रही। पापा ने उसे अजवाइन वगैरह होती है उसका पानी पिलाया, मुझे भी पिला दिया, मैंने भी पी लिया, पुदीने का कुछ पानी था वो पी लिया, इसलिए कि स्कूल ना जाना पड़े। देन फाइनली ऐसा हुआ कि हमारा स्कूल जाना कैंसिल हो गया, मैंने कहा मेरे दर्द हो रही है, हो रही है, हो रही, घर आकर के मुझे टीवी देखनी थी क्योंकि तो मैं उसके बाद पापा को बोला कि मैंने कहा मेरे भी दर्द हो रही है, सो डॉक्टर को दिखाने की बात आई तो मैंने कहा डॉक्टर को नहीं दिखाना शायद सही हो जाए घर जा करके, तो पापा समझ गए थे कि चलो इसका छुट्टी लेने का मन है, तो हमको घर भेज दिया गया। अगले दिन एक गीता मैम थी हमारी, तो गीता मैम को संतुदा बता चुका था कि उसने बहाना बनाया वो नहीं आया, पता नहीं क्यों उस टाइम पे ऐसे चुगली करके बड़ा मज़ा आता था टीचर की नज़रों में अच्छा होने का। गीता मैम हमको उठा दी क्लास में, चलो बेटा उठो, पंकज जीना, हाँ भाई कल तुम स्कूल नहीं आए। मैम वो में ना मेरी तबीयत खराब हो गई थी मैम। वो तो ठीक है तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन स्कूल क्यों नहीं आए? मैम वो ना मेरे पेट में दर्द हो गई थी मैम बहुत ज़्यादा। अच्छा बहुत ज़्यादा तबीयत दर्द हो गई थी, अभी नहीं हो रही है? मैम अभी भी हो रही, हल्की हल्की हो रही। तो आज भी क्यों आए, घर चले जाओ। नहीं मैम अब मम्मी ने कहा जाना है। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं आ गया, हाथ खड़े हो करके खड़े हो जाओ। मैं हाथ ऊपर करके खड़ा हो गया हूँ, अब क्लास देख रही है, हंस रहे हैं सब, लेकिन अपने को सुकून था कि चलो एक दिन की छुट्टी मिली और थोड़ी सी सज़ा तो मिलती है। एक और बहाना सुनो, तो हमारा जो घर है घर से स्कूल जाते वक्त जो रास्ता था वो बरसात के टाइम पे फिसलने वाला तो हो जाता था, लेकिन उसमें कई जगहों पर ऐसा भी था कि कीचड़ बहुत भर जाता था। मेरा मन पहले से नहीं था स्कूल जाने का, बरसात का वक्त था। रीज़न क्या होता था पता है स्कूल ना जाने का? क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ पर टीचर्स जो मुझे मारते हैं ना, मुझे उस मार से डर था। वो होमवर्क करके लाने को कहते थे, मैं कभी नहीं करता था, आलसी था मैं, लिखने में आलसी रहा हूँ, मतलब हिंदी वगैरह पे कंप्लीट रहता था अपना काम, लेकिन राइटिंग बड़ी ख़राब थी पहले, तो उस वजह से मार खाते थे। और उसके अलावा और भी कई चीज़ें थी, मतलब जैसे कि मैथ्स का कोई सवाल पूछ लिया नहीं आता था यार, अपने को नहीं हो पाता था, अपने से औसत बच्चे रहे हैं हम, कैसे कर लेते? तो फिर वही मामला बनता था कि चलो यार भैया कुछ तो करना ही है लाइफ में। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ वो बरसात वाला रास्ता था फिसलने वाला। अब हम घर से निकले, दद्दा में संतु था,
निकले 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 आगे जा करके एक जगह पर मैं जेन्युइनली फिसल गया। मैं चाहता नहीं था फिसलना और मैं ऐसा फिसला कि मेरे पूरे कपड़े खराब हो गए। दादा ने कहा तू घर चले जा। मैंने कहा हैं ऐसे ही चले जाऊं घर? तो ऐसे कपड़ों से जाएगा क्या स्कूल? मैंने कहा हाँ ठीक है, और मैंने छुट्टी मार ली। तो मतलब कुल मिलाकर के ऐसे ऐसे बहाने बनाए हैं ना जिंदगी में छुट्टी मारने के, आज अगर उनको याद करते हैं तो लगता है बाय गॉड ये हमने किया था, ये हम ही थे यार। नहीं यार ऐसा नहीं किया होगा यार। तो अब वो एहसास होता है, अब लगता है कि यार नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन पर मुझे लगता है ना कि स्कूल के वक्त में हमने जो जिया है ना अपने तरीके से, इस जिंदगी को शायद ही कोई जी पाएगा। वो खुशनुमा लम्हे थे, वो शानदार पल थे, और अच्छा लगता था यार उन दिनों में। यकीन मानो मतलब मुझे ऐसा लगता है आज भी कि स्कूल के दिन बहुत शानदार रहते थे। अच्छा आपके स्कूल के दिन कैसे थे? क्या आपने कोई बहाने बनाए? आप पढ़ने में कैसे थे, अच्छे थे या मेरी तरह खराब थे बिल्कुल? जो भी थे मुझे ज़रूर बताना। कल आपके वॉइस नोट सुने मैंने, कई लोगों ने मुझे ईमेल पे वॉइस नोट भेजे तो मुझे बहुत पसंद आए वो वॉइस नोट, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपके कमेंट्स पढ़े थे, मुझे आपके कमेंट्स भी बहुत अच्छे लगे, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्राई करेंगे कि आने वाले वॉइस नोट्स पे आपकी बातों को हम शामिल कर सकें। आप में से अगर मन हुआ आपका तो आपको कॉल भी आ सकता है। वक्त क्या है कि आजकल बहुत ज़्यादा पाबंदी में चल रहा है, तो फ़ोन करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है इस वक्त पे, वो भी जब रात हो जाए। तो बस यार अभी मैं चलता हूँ, आज का दिन बहुत अच्छा रहा, दिल की कुछ बातें थी जो आपसे शेयर करनी थी इस वॉइस नोट के ज़रिए। आपको ये कैसा लगा आप मुझे वॉइस नोट में बताइएगा, बिल्कुल ऐसे बताइएगा कि जैसे आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं या फिर मैं आपके सामने खड़ा हूँ। वो फ़ोन जो है जिसमें आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो मैं हूँ, मुझे देख करके आप बोल रहे हो, जो मन आए प्लीज़ मुझे भेजना kahaniwalaladka9@gmail.com पर। और अगर ये वॉइस नोट पसंद आए तो बस कहने की ज़रूरत नहीं है, किसे शेयर कर लेना। मैं तो कहता हूँ कि अपने दिल में बसा लेना, बस ऐसे ही मोहब्बत देते रहना। चलो अभी पास आ जाओ, एक झप्पी का वक्त है, टाइट। आई लव यू, अपना ख्याल रखना और सुनो मुस्कुराते रहना थोड़ा, ठीक है? कल इतवार है, कुछ नई बातें नई चीज़ें आपके लेकर के आएंगे। बाय, टेक केयर।